नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने आम का पेड़ लेकर आया हूं और इसी आम के पेड़ के बहुत सारे फायदे आपको मैं बताऊंगा। इतने सारे फायदे बताऊंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक आम के अंदर इतने सारे फायदे हैं। दोस्तों ऐसे ही नहीं, फलों का राजा आम को बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे औषधि गुण हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आम का एक एक जर्रा जर्रा तिनका तिनका हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है। कहते हैं ना दोस्तों, पुराने जमाने का एक कहावत है कि आम तो आम, गुठली का भी दाम। तो हाँ दोस्तों, इस आम के खाने के बाद जो गुठली हम फेंक देते हैं, वह गुठली भी बाजारों में बिकता है, उससे कई तरह की दवाई बनाया जाता है, इसलिए उस गुठली का भी कीमत मिलता है। इसलिए कहावत बना है कि आम तो आम, गुठली का दाम। तो दोस्तों इसके गुठली से अतिसार रोग का दवा बनता है, कांच रोग का दवा बनता है, कृमि रोग का दवा बनता है, यानी पेट में होने वाले बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने वाला आम का गुठली, जिसके बारे में लोग शायद कम ही जानते हैं, इसीलिए आम खाकर आम की गुठली को फेंक देते हैं। लेकिन जब आप आम की गुठली के फायदों के बारे में जान जाएंगे तो आम की गुठली को भी फेंकना बंद कर देंगे। तो चलो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी हासिल होगा। और अगर वीडियो का आप हटा देते हैं तो समझ लीजिए किसी काम का यह वीडियो नहीं है, आप हट जाइए, मत देखिए। और अगर देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आम हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों आम के पेड़ की पहचान क्या आपको बताना, आप तो आम के पेड़ को पहचानते हो बचपन से। चलो डायरेक्ट इसके फायदे के बारे में ही जानकारी हासिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आम के छाल से फायदा शुरू करते हैं। तो दोस्तों आम के छाल को पानी में पकाकर इसका रस बनाकर किसी भी बोतल में भर लीजिए। कैसा भी दांत खाज खुजली हो, एक्जिमा हो, अकवत हो, अपरस हो, आप उसमें हल्दी मिलाकर लगाइए, वह त्वचा रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों आम के छाल काढ़ा त्वचा रोग के लिए। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की फोड़ा फुंसी हो, बंद मुंह का फोड़ा हो जो कि फूटता ही ना हो, उसका मुंह नीचे हो, तो उस फोड़े के ऊपर आम के गोंद को निकाल कर किसी कपड़ा या कागज में लगाकर उस बंद मुंह फोड़े के ऊपर आप रख दीजिए। दो दिन के अंदर उस फोड़े को आम का गोंद फोड़ देगा और उस फोड़े के अंदर जो पीप मवाद, गंदा खून है, सबको निकाल कर बाहर कर देगा और वह घाव कुछ दिनों के अंदर सूख जाए, कुछ दिन क्या, दो तीन दिन के अंदर सूख जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों आम का गोंद फोड़ा फुंसी और घाव को सुखाने के लिए। और अगर मान लीजिए सड़ा गला घाव है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आम के गोंद में आप हल्दी मिलाकर थोड़ा गर्मा कर किसी भी कपड़े में लगाकर आप ऊपर से चिपका दीजिए, वह सड़ा गला घाव भी ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह आम का गोंद। तो आओ चलो दोस्तों, अब चले हम आम के पत्तों की तरफ कि आखिर आम के पत्तों के अंदर क्या क्या गुण है और क्या क्या फायदे होते हैं इसके सेवन से। तो हाँ दोस्तों, आम के पत्ते भी कुछ कम नहीं हैं हमारे शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए। पता है आपको, अगर किसी को डायबिटीज शुगर हो तो आम के पत्तों को काढ़ा बनाकर सेवन करने से डायबिटीज शुगर जो है नॉर्मल होने लगता है, न घटता है न बढ़ता है, लिमिट में आ जाता है। इतना फायदेमंद होता है यह आम का पत्ता, क्योंकि इस आम के पत्तों के अंदर बहुत सारे विटामिन तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है, लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने का काम करता है और पेन क्रिया को भी लिमिटेड रूप से काम करने का आज्ञा देता है। दोस्तों इस आम के पत्तों को काढ़ा बनाकर सेवन करने से सर्दी खांसी जुकाम भी दूर होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ हिस्सा अदरक और हल्दी का डालकर काढ़ा बनाना होता है। तो दोस्तों अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो तो आम के दो तीन पत्ते ले लीजिए और करीबन 10-5 ग्राम अदरक ले लीजिए और एक दो चुटकी हल्दी डालकर या थोड़ा सा गुड़ डालकर आप काढ़ा बनाइए। उस काढ़ा को रात को सिर्फ एक बार पीजिए और पीकर सो जाइए, 8 घंटा तक पानी मत पीजिए, तो सर्दी जुकाम खांसी आपको सुबह तक बिल्कुल दूर हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों ये आम का पत्ता हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम जानते नहीं है, उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए फायदा नहीं पाते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम कच्चे आम की तरफ। कहते हैं ना कच्चा आम बहुत ही मजेदार होता है,
कोई भी कच्चे आम को देखता है तुरंत तोड़कर खाना शुरू कर देता है नमक लगाकर, तो क्यों खाता है? उससे उसे मजा आता है और फायदा भी होता है। अब कच्चे आम के अंदर क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो दोस्तों कच्चे आम का अचार, खटाई सभी कुछ बनाकर लोग सेवन करते हैं, वह बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ताजे ताजे कच्चे आम सेवन करने के फायदे के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों अगर कच्चा आम आप पा गए हैं तो कच्चे आम में आप नमक डालकर सेवन कीजिए तो पेटों के अंदर पाचन क्रिया को मजबूत करने का काम करता है, गैस को दूर करता है, दांतों को मजबूत करता है, दांतों में होने वाले पैरिया रोगों को दूर करता है। यह कच्चा आम जिसे टिकोरा कहा जाता है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे आम को टिकोरा कहते हैं। अब दोस्तों इसी कच्चे आम के फायदे के बारे में मैं आपको और थोड़ा बताना चाहता हूं कि अगर किसी को धूप लग जाए, घाम लग जाए, लूक लग जाए, अब लूक की बीमारी किसे कहते हैं वो आप जानिए। जैसे मान लीजिए बहुत कड़क धूप है, सूरज की रोशनी में आप कहीं जा रहे हैं तो अचानक क्या होगा, वह धूप आपके शरीर पानी को खींच लेगा और आपको धूप लग जाएगा यानी लूक लग जाएगा। तो अब लूक लगने के बाद क्या होता है, पूरे शरीर में बदन में दर्द होने लगता है, बुखार आ जाता है। तो उस बुखार को उतारने के लिए आप कच्चे आम का पन्ना बनाकर अगर सेवन करते हैं, पन्ना मतलब शरबत, अगर आप शरबत बनाकर पीते हैं तो वह लू से लगने वाला बुखार जो है ठीक होने लगता है। इतना फायदेमंद है दोस्तों यह कच्चे आम का शरबत। अब शरबत कैसे बनाना है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप कच्चे कच्चे आम तोड़ लिए तो उसे आग में भूज कर और भूजने के बाद उसे एक लीटर पानी में रगड़कर उसका रस निकाल लीजिए और कुछ हिस्सा काली मिर्च डाल लीजिए, कुछ अजवाइन जीरा डालिए और शरबत बनाइए, एक गिलास आप पीजिए और फिर देखिए आपका बुखार और बदन का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों कच्चे आम का पन्ना, पन्ना मीन्स शरबत। और हाँ दोस्तों कच्चा आम का शरबत पीने के साथ साथ में आप अगर कच्चे आम का गुद्दा अपने पूरे शरीर में मसाज करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। अगर आपको लू लग चुका है, लू लगने की वजह से बदन में दर्द है, बुखार है, तो उसमें भी काफी फायदेमंद होगा। या कच्चे आम का गुद्दा लेकिन भूनने के बाद आग में भूज कर इस्तेमाल कीजिए, फायदा बहुत जल्दी होता है। दोस्तों इस कच्चे आम के फायदे इतने ही नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कच्चे आम को काटकर टुकड़ा टुकड़ा धूप में सुखाकर खटाई बना लेते हैं। तो सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर वो खटाई क्यों बनाते हैं, उस खटाई से लोगों को क्या फायदा होता है। तो हाँ दोस्तों फायदे तो बहुत है खटाई के भी, वह फायदा भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं बताता जाता हूँ। तो दोस्तों आम को सुखाकर खटाई बनाने के बाद में उस खटाई का पाउडर भी बनाकर बहुत से लोग घर में रखते हैं। अब होता क्या है, उस सूखे आम के अंदर तो बहुत सारे विटामिन तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हमें उल्टी जैसा लगता है तो मात्र एक चुटकी उस सूखे हुए आम का पाउडर यानी खटाई के पाउडर को अगर मुंह में डालकर हम चूसते हैं तो तुरंत तुरंत उल्टी कंट्रोल हो जाता है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों सूखे हुए आम का पाउडर हमारे शरीर के लिए। और हाँ दोस्तों वह सूखा हुआ आम का जो पाउडर होता है उसे अमचूर कहते हैं। और अमचूर का काम क्या है, पेटों के अंदर एसिडिटी, गैस को दूर करना, पेटों को साफ करना, यहाँ तक कि दोस्तों वह सूखे हुए आम के खटाई का जो पाउडर है अमचूर, उस अमचूर के सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, नॉर्मल होता है। तो दोस्तों सूखे हुए आम के खटाई के पाउडर के सेवन से ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होता ही होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का नशा किया है, नशे की वजह से आपको घबराहट, बेचैनी हो रहा है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो आप तुरंत तुरंत आधा चम्मच मुंह में डालकर सूखे हुए खटाई के पाउडर का सेवन कीजिए, चूसिए, तो तुरंत तुरंत 10 मिनट के अंदर आपका नशा उतर जाएगा। चाहे वह नशा शराब का हो, चाहे वह नशा अफीम का हो, चरस का हो, कोकिंग का हो या फिर भांग का हो, यानी कच्चे आम के खटाई के अंदर खट्टा स्वाद होता है और खट्टा स्वाद का मतलब है नशा को कंट्रोल करना, उतारना। तो दोस्तों अगर किसी को भी नशा की प्रॉब्लम है तो आप इस सूखे हुए खटाई के पाउडर का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा शरीर को लिमिट में लाने के लिए। दोस्तों यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का मेडिसिन यूज किया है, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, और वह मेडिसिन वह दवाई आपको नुकसान दे रहा है,
तो आप उस नुकसान को हटाने के लिए, तो उस नुकसान को खत्म करने के लिए आप सूखे हुए आम के पाउडर का सेवन कीजिए, तो शरीर में होने वाले हर प्रकार के हानिकारक प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह खटाई का पाउडर हमारे शरीर के लिए, जो कच्चे आम को सुखाकर बनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों पके हुए आम की तरफ। यूं तो सभी को पसंद है पका हुआ आम। दुनिया में शायद ही कोई आदमी होगा जिसे पका हुआ आम नहीं खाने में मजा आता होगा, पसंद नहीं होगा, लेकिन पका हुआ आम को सभी पसंद करते हैं। इसीलिए पके हुए आम को आमों का राजा कहते हैं दुनिया वाले। अब दोस्तों पके हुए आम के अंदर कितने फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पका हुआ आम का सेवन हम करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन तत्व बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पके हुए आम के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, जिंक, इस तरह से बहुत सारे विटामिन तत्व होते हैं जो हमारे पेट में जाने के बाद पाचन क्रिया को मजबूत करने का काम करता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर किसी को बवासीर रोग हो, कब्ज का रोग हो, या धातु का रोग हो, स्त्रियों में लिकोरिया का रोग हो, मासिक महीने गड़बड़ी हो, शरीर थरथर थरथर कांपता हो, बहुत सारे कमजोरी हो, तो आप सुबह सुबह खाली पेट एक गिलास पके हुए आम का रस सेवन कीजिए, तो शरीर की ये सब बीमारी नष्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह पका हुआ आम हमारे शरीर के लिए। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में आम का रस लोग बेचते हैं और धूप में गर्मी में परेशान लोग इसका सेवन करते हैं, पीते हैं, तो उन्हें बहुत राहत मिलता है, क्योंकि दोस्तों पका हुआ आम का रस भी धूप लगने से बचाने का काम करता है, क्योंकि पके हुए आम के अंदर भी तो बहुत सारे प्रोटीन विटामिन तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि जितना फायदेमंद कच्चा है खटाई है उतनी फायदेमंद तो पका हुआ आम भी है। लेकिन हमेशा खटाई उटाई आमों में खट्टा लगता है, लेकिन जो पका हुआ आम का जूस रहता है वो तो खाने में पीने में मीठा लगता है, इसलिए लोग पके हुए आम को ज्यादा पसंद करते हैं, सेवन ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों यह पका हुआ आम का सेवन करने से हमारे बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। और हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको प्रजनन अंग में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप आम के पत्तों को काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए लगातार एक महीना तक, तो आपके प्रजनन अंग की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों आम के पत्तों का काढ़ा। दोस्तों यूं तो आम को बहुत तरीके से खाया जाता है, आम का अमचूर बनाकर, आम का अचार बनाकर, आम को गुड़म्मा बनाकर, आम का खटाई बनाकर, आम का बहुत सारे आम को खाने का तरीका है। बहुत से लोग तो आम का गुड़म्मा बनाते हैं, आप सुने होंगे आम के कच्चे कच्चे आम में गुड़ मिलाकर गुड़म्मा बनाकर सेवन करते हैं, बड़ा ही मजेदार होता है, अच्छा लगता है, लोग खाते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम आम के गुठली के फायदे के बारे में जाने कि आखिर आम की गुठली के अंदर क्या क्या फायदे हैं। तो हाँ दोस्तों आम की गुठली के अंदर भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर मान लीजिए किसी के पेट में कीड़े हैं यानी कृमि रोग, तो आम के गुठली का पाउडर 3 ग्राम सुबह शाम सेवन कीजिए तो कृमि रोग नष्ट हो जाता है। अब अगर कोई बच्चा है छोटा, उसको लैट्रिन करते समय या संडास पैखाना करते समय कांच निकल आता है, कांच मतलब एक बीमारी है, जैसे कि लैट्रिन करते समय गुद्दा मार्ग से लाल लाल एक चीज निकल जाता है बाहर जो कि बहुत तकलीफ देता है, उसे कांच की बीमारी कहते हैं। वह गुद्दा मार्ग नीचे निकला रहता, लटका रहता, शायद आप लोग देखे होंगे किसी किसी बच्चों में होता है, किसी बड़ों में भी होता है। तो उस बीमारी के लिए दोस्तों यह आम के गुठली पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको करना क्या है, 3 ग्राम आम के गुठली पाउडर ले लीजिए और 3 ग्राम अनार के कच्चे फलिक पाउडर ले लीजिए, दोनों पाउडर को मिलाकर 6 ग्राम होता है, उस 6 ग्राम पाउडर सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम सेवन कीजिए लगातार एक महीना, तो वह कांच की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह आम की गुठली पाउडर। दोस्तों आम के कोमल कोमल पत्तों का सेवन करने से भूख बढ़ता है। अगर मान लीजिए किसी को भूख नहीं लगता है तो वह सुबह सुबह खाली पेट आम के 3-4-5 पत्ते कोमल कोमल तोड़कर चबाए और 2-3 गिलास पानी पिए तो 2-3 दिन के अंदर उसका खुलकर भूख आएगा, इतना भूख बढ़ जाएगा कि वो खूब खाएगा, खाना खाएगा।
दोस्तों अगर किसी के चेहरे में फोड़े फुंसी हैं तो उस फोड़े फुंसी को आप दूर कर सकते हैं आम के छाल के काढ़ा से। आपको करना क्या है, आम के छाल को निकाल कर पानी में पकाइए और उस काढ़े के अंदर एक चम्मच हल्दी डाल दीजिए और एक चम्मच फिटकी। डालने के बाद उसे खूब घुमाइए, घुमाते घुमाते जब वह आम का काढ़ा थोड़ा जम जाए, उठाकर देखिएगा, किसी कागज में डालकर देखिएगा, डालने के बाद वह तुरंत सूखने के बाद जम जाएगा, लसार पैदा हो जाएगा, तो आप उसे उतार कर बाहर रखिए। ठंडा होने के बाद उसे आप किसी डब्बे में या बोतल में भर कर रख लीजिए। उस आम के छाल के काढ़ा से आप चेहरे में मसाज कीजिए तो चेहरे में होने वाले दाना फोड़ा फुंसी पिंपल्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों चेहरा को चमकाने के लिए आम के छाल का काढ़ा। इस तरह से दोस्तों यह आम का पेड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और यह एक नहीं बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने काम करता है। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।